चोणां समें पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों नाल काफ़ी वादे किए सी, जिन्हां चों हाले तक कैप्टन साहब कोई वादा पूरा करदे नज़र तां नहीं आए। इन्हां चों ही एक वादा सी स्मार्टफोन दा, जिस दे लई लोकां वल्लों काफ़ी मात्रा च फार्म भी भरे गए सी। पर 3 साल बीत जाण दे बाद भी हाले तक किसी दे हाथ च कैप्टन वाला स्मार्टफोन नहीं पहुँचिया। हालांकि नौजवान इसका बेसबरी नाल इंतजार कर रहे सी अते कुछ कु लोग इसका ट्रोल भी बना रहे सी। लंबी उड़ीक तो बाद जदों लोगों ने स्मार्टफोन की आस छड़ दित्ती तां बीते कुछ समय पहला खबर आई सी कि आने वाले दिनों च स्मार्टफोन का लोगों नाल कीता वादा पूरा किया जाएगा, जिस तों बाद लोगों च एक बार फिर खुशी का माहौल बन गया। पर हुण एक बार फिर इस मामले ते सरकार ने पलटी मार दित्ती आ, जिस दे चलदिआं कुछ लई तां खुशी की खबर पर काफ़ी लोगों के दिल टुटन जा रहे हैं। जी हाँ, कैप्टन सरकार ने 8 फरवरी 2019 की पंजाब स्मार्ट कनैक्ट स्कीम संबंधी नोटिफिकेशन की धारा 4 अते 5 सोध कर दिती है, जिस दे तहत साल 2019-20 दौरान सरकारी स्कूलों 11वीं अते 12वीं जमात च पढ़न वालियां कुड़ियां नूं स्मार्टफोन मिलणगे। नाल ही ITI पॉलीटैक्निक अते कालज दे अंडर ग्रैजुएट कोर्स दे आखिरी साल के विद्यार्थी जिन्हां कोल स्मार्टफोन नहीं वह भी स्मार्टफोन के हकदार होणगे। दस दईए कि 2GB रैम अते 5 इंच डिस्प्ले वाले इस फोन लई 30 लाख तो भी वध लोगों वल्लों फार्म भरे गए सी। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।